नमस्कार दोस्तों, हमारी 10th क्लास का 14वां चैप्टर चल रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर। एक्सपेरिमेंट का नंबर है, एक्टिविटी का नंबर है 14.6। ठीक है, ये देखिए, आपने बहुत से लोगों के पास सोलर कुकर या तो सोलर वाटर हीटर देखा होगा, जो ज़्यादातर टेरेस में रहता है, जो ऊपर छत पे रहता है। तो ये सोलर वाटर हीटर है और ये जो है ये सोलर कुकर है। अब उसकी रचना समझिए, उसका फंक्शन समझिए। ये पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, आप अपने हाथों से अपने घर अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार, इफ़ यू हैव इंस्टॉल इट। तो ये देखिए, उसमें क्या होता है, एक बॉक्स है। ये बॉक्स ज़्यादातर लकड़ी का बना हुआ होता है ताकि वो खुद गर्म होकर गर्मी का जो है वो वेस्टेज ना करें, वो गर्मी को, सन की लाइट को, सन की गर्मी को बर्बाद ना करें। इसलिए उसका ज़्यादातर इसको वुडन का बनाया जाता है, लकड़ी का। उसके अंदर और बाहर ब्लैक कलर लगाया जाता है। ब्लैक कलर इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी यानी कि हीट एब्सॉर्ब करता है। ब्लैक कलर जहाँ भी है वहाँ आपको ज़्यादा गर्म महसूस होगा वाइट कलर के कंपैरिजन में। तो ये सोलर कुकर का बॉक्स जो है वो इसीलिए ब्लैक कलर का बनाया जाता है। उसके ऊपर एक बॉक्स है, वो बॉक्स खोलते ही उसके अंदर का रचना दिखाई पड़ता है। ये बॉक्स का ढक्कन है, लेकिन ये ढक्कन के नीचे एक और ग्लास है। ये ढक्कन है वो सिंपल ढक्कन नहीं है, ये मिरर लगाया हुआ होता है। मिरर इसलिए कि यहाँ की जो सनलाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रिफ्लेक्टेड हो और ये हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा गर्म कर सके, इसलिए ये एक मिरर है। ये जो है डिब्बे के ऊपर वो भी एक कांच है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट सिंपल ग्लास है। ये देखिए, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको खोल सकेंगे, ऐसा। ये सिंपल ग्लास है, ये मिरर नहीं है। पीछे वाला जो है ये मिरर है ढक्कन के अंदर के साइड में। तो ये हो गया हमारा सोलर कुकर। ये डिब्बा जो है वो ऐसे ही आप टेरेस में या तो अपने छत पर कहीं भी ऐसा खोल के रखोगे तो ज़्यादा गर्मी के दिनों में ये आपका खाना पक जाएगा। ये कहते हैं सोलर कुकर। ठीक है, और ये जो है ये सोलर वाटर है। सोलर वाटर में क्या होता है कि एक ऐसे ही काले बोर्ड के ऊपर आपकी पूरी पाइपलाइन पानी की जो है वो फिट की जाती है और वो पाइपलाइन के अंदर यहाँ से पानी दाखिल होता है और यहाँ से पानी नीचे आता है। यहाँ से पानी जो नीचे आता है उसको यहाँ से दाखिल होता है और ये जितना भी भर जाता है वो आपका गर्म पानी बाहर आता है। यहाँ एक हमने बटन रखा हुआ है स्टार्ट प्रोसेस, ये देखिए, इसको आप क्लिक कीजिए। देखो, ये टंकी से पानी आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से वो सीधा नीचे गिर जाएगा। ये गिर जाने के बाद यहाँ वो गर्म ट्यूब के अंदर गर्म हो जाएगा। ये सोलर रेज है, सन की रेज है ये, उसमें ये गर्म हो जाएगी और ये गर्म पानी सीधे सीधा वो टैंक में जाकर टैंक को फिल करेगा और यहाँ से उसको गर्म पानी बाहर निकालने का रास्ता है। ये देखिए, यहाँ से आपको गर्म पानी बाहर आएगा। दूसरी बार देखना चाहे आप दूसरी बार देख लो। ये किस तरीके से गर्म होता है, तो ये जो टैंक में से पानी यहाँ भर चुका है, इसमें से ये पूरी लाइन जो है आपकी वो क्या है, पानी से भरी हुई है, जो गर्म लाइन है। यहाँ मैक्सिमम गर्मी पैदा करने के लिए हमने ब्लैक सरफेस रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका सोलर वाटर हीटर और ये हो गया आपका सोलर कुकर। नेक्स्ट इंटरएक्टिविटी लेके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, वी होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।